हेलो दोस्तों, तो हमारे सफ़र का एक शुरुआत होती है बिहार राज्य के सीतामढ़ी ज़िले के, जहां पे माता सीता का जन्म स्थली है। वहां से 30 किलोमीटर दूर सुरसंड प्रखंड के नामक स्थान से तो हमें दूरी तय करनी थी लंगूर खोला के लिए, जहां पे भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। तो हम निकल पड़े सुरसंड प्रखंड के चौक से, हमें भिट्ठा मोड़ पहुंचना था सबसे पहले। तो हम निकल पड़े यहाँ पर से, बस पकड़ लिए। बस पकड़ने के बाद हम भिट्ठा मोड़ में पहुंच जाएंगे। तो हमें भिट्ठा मोड़ में पहुंचने के बाद फिर थोड़ा देर पैदल चलने के बाद हमें नेपाल में जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं भिट्ठा मोड़ पहुँच गया हूँ। ये बॉर्डर आप देख सकते हैं पूरे सामने। फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पे नेपाल में इंटर कर चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं जो अभी पैदल नेपाल में इंटर कर रहा हूँ, मेरे पीछे अभी जो है इंडिया का बॉर्डर आपको पूरा दिख रहा होगा। पीछे जो पिलर नज़र आ रहा है, और हम यहाँ पे तो आपको यहाँ पे पूरा जो है नज़र आ रहा है, जो अभी हम नेपाल में इंटर कर चुके हैं। और ये जो है जगह का स्थान है मैलवाड़ा। तो यहाँ पर जो है भिट्ठा मोड़ बॉर्डर को क्रॉस करते ही जो है मैं नेपाल में इंटर कर गया हूँ। और आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, जैसे कि ये नेपाल है, और यहाँ पर से हमें थोड़ी आगे दूर जाकर बस स्टैंड मिलेगा। तो हमें वहाँ पर से बस पकड़ना होगा आगे की दूरी तय करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ देर पैदल चलना होगा, और यहाँ पर जो है पैदल चलने के बाद जो है बस स्टैंड मिलेगा। तो आपको यहाँ पर पूरा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर से डायरेक्ट बस स्टैंड में जाऊँगा। और बस स्टैंड में वहाँ पर से बैठने के बाद मैं आगे का दूरी तय करूँगा, जो सबसे पहले हमें जाना है लंगूर खोला के लिए, दूरी तय करना है। तो हम यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो है बस स्टैंड में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर से बस स्टैंड में पहुँचने के बाद आपको यहाँ पे पूरा कुछ इस तरह का यहाँ पे बॉर्डर इलाका दिख, तो हम पहुंच गए हैं बर्दीवास में, जैसे कि आपको पूरे दिख रहा है, जो अभी हम बर्दीवास में पहुंच चुके हैं। और फिर हमें आगे की थोड़ी दूरी तय करनी होगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं जो हूँ यहाँ पे कुछ देर के लिए बस जो रुकी है, तो हम नीचे में भी उतरे थोड़े घूमने के लिए। और फिर हम यहाँ पर से देख सकते हैं, जो बीच जंगल में एक बार और रुका है, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे।
बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने मंजिल पे। हमें जो है भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जो मंदिर है वहां पे हम फाइनली पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी देर वहां पे आराम करने के बाद हमें जो है निकलना है मंदिर के अंदर जाने के लिए। तो सबसे पहले यहां पर जो है 300 के तकरीबन में जो है हमें सीढ़ियाँ चढ़ना होगा। लगभग उतनी चढ़ने के बाद यहाँ पर जो है 300 के तकरीबन में सीढ़ियाँ चढ़ना है, और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भगवान भोलेनाथ का मंदिर आएगा। तो चलिए यहाँ आगे लोटा भाई नीचे।
तो गाइस रात का वक्त होने के कारण जो है आपको वीडियो क्वालिटी में थोड़ा मतलब लो क्वालिटी दिख रहा है। रात का वक्त था तो वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था। वहाँ पे जो लाइटनिंग का व्यवस्था भी नहीं था, वहाँ पे जो है सिर्फ मतलब लाइटनिंग का व्यवस्था था ही नहीं लगभग लगभग हमारे ख्याल से। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे जो है सबसे पहले झरना में स्नान करना होता है। झरना में स्नान करने के बाद हमें वहीं से जल लेकर यहाँ पे जो है भगवान भोलेनाथ पर जो है मतलब शिवलिंग पे चढ़ाना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्नान किया और स्नान करने के बाद आपको जो यहाँ पे गुफा बना दिख रहा है इसी में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, इसी पे जल चढ़ाना है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं पूरा। और यहाँ पे जो आपको पूरा दिख रहा है, आपको लाइव दर्शन हो रहा है भगवान भोलेनाथ का, तो आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा है। यहाँ पे जो है भगवान भोलेनाथ का जो है दर्शन हो रहा है। यहाँ पे जो है काफ़ी मतलब ज़्यादा तादाद में भक्त आते हैं नेपाल इंडिया से, काफ़ी तादाद में, इसमें बिहार यूपी और नेपाल के सबसे अधिक रहते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा है जैसे कि। तो चलिए लास्ट तक देखते हैं वीडियो को, बहुत ही अच्छा वीडियो है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखिएगा। तो आपको यहाँ पे लाइव दर्शन हो रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। थोड़े अंदर में जो है अंधेरे का वक्त होने के कारण आपको यहाँ पे फ्रेश क्वालिटी में नहीं दिख रहा है, बट आपको आइए निकलते चलते दोबारा क्या था यहाँ अब ये देखो अगरबत्ती साथ में साथ चलते रहता अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सभी में शेयर जरूर करना, उनको भी पता चले भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर के बारे में। तो फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम नमस्कार धन्यवाद।